हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबी कार लवर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आया आपके लिए पैशन प्लस का रिव्यू वीडियो। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप इसका वॉक अराउंड देख लीजिए, साइड लुक देख लीजिए कैसे दिखती है पैशन प्लस। ये सिर्फ और सिर्फ जो इससे पहले पैशन प्रो आई थी अभी के मॉडलों से पहले, सेम उसी की बॉडी डिजाइन पे इसे डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर मिल जाते सॉकर्स में ही, साथ ही में एफआई की बेजिंग। चलिए अब बात करते हैं इसके हॉर्न्स की प्लेसमेंट और इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। यहाँ पे हमें नॉर्मली मिलता है इंडिकेटर्स अपर डिपर, साथ ही में हमें डैशबोर्ड में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी बाइक में हमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। चलिए अब इसके स्विच को ऑन करते हैं और इसके डैशबोर्ड में देखते हैं। माल फंक्शन की लाइट, I3S की लाइट, सॉरी माल फंक्शन की लाइट नहीं, इंजन लाइट है ओनली। ऑफ करते मिरर, सेल्फ बटन नॉर्मल है एज इट इज, I3S की कोई भी स्विच इसमें दी नहीं गई है। साथ ही में यहाँ पे FI की बेजिंग दी गई है जो कि टूल बॉक्स यहाँ पे रखा जाता है। साथ ही में यहाँ पे हमें स्पार्क प्लग में रेड कैप मिलती है। साथ ही में इंजन इसमें वही यूज किया गया जो स्प्लेंडर HF डिलक्स में आता है। चलिए अब बात करते हैं इसके अलॉय व्हील की। तो इसमें हमें C8 के 80-100, जी हाँ दोस्तों 80-100 प्रोफाइल के 18 इंची अलॉय व्हील मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ में। इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है। यहाँ पे हमें सॉकर मिल जाता है जो कि एक हेवी लोड एब्जॉर्ब और गड्ढे वगैरह को अच्छे खासे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। हीरो की बेजिंग दी गई है और बहुत प्यारी स्टिकरिंग करी गई है। अब यदि पीछे की बात करूं तो यहाँ पे हमें मैट ब्लैक में इसका मडगार्ड देखने को मिल जाता है, साथ ही में नंबर प्लेट की प्लेसमेंट भी है। अब यहाँ पे हमें मिल जाता है सारी गार्ड जो कि लेडीजों के लिए खासकर सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। टोइंग हुक मिल जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके इंजन की। तो आपको बताया था यहाँ पे I3S की बेजिंग मिल जाती है। इंजन इसमें स्प्लेंडर और HF डिलक्स का ही प्लेस किया गया है 4 गियर के साथ में। इसमें ज्यादा कुछ भी अच्छा या ऐसा कुछ भी नहीं है बताने लायक। यहाँ साइड स्टैंड का कोई भी इंडिकेटर वगैरह डैशबोर्ड में हमें शो नहीं होता है। यहाँ पे चैन कवर भी फाइबर का ही यूज किया गया, कॉस्ट कटिंग की गई है। यहाँ पे इंजन भी बहुत प्यारा डिजाइन किया हुआ है, एकदम सूट भी कर रहा है बाइक पे और अच्छा भी लग रहा है, पावर भी प्रोड्यूस करेगा ऐसा नहीं कि नहीं। अब यदि इसके मैं फ्रंट साइड की बात करूं तो फ्रंट में भी सेम अलॉय व्हील मिल जाते हैं 80-100 बीजिंग के, साथ ही में 18 इंची अलॉय व्हील ही मिल जाते हैं। 80-100 इसकी प्रोफाइल मानी जाती है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी मिलता है हमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पे हेडलाइट यूनिट, जैसा कि आपको बताया था मैंने, पैशन प्रो की डिजाइन ली गई है जो इससे पहले आती थी पैशन प्रो, सेम उसी की डिजाइन में पैशन प्लस को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ज्यादा तो नहीं, बस कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।